अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अशा फूड एंड व्लॉग। आप सबका खुश आमदीद मेरे चैनल पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग ने मेरा जो एक वीडियो था, सॉरी मेरा व्लॉग था, तो आपने थोड़ा सा वायरल कर दिया। अगर मुझे उस व्लॉग पे 2700-2800 मेरे व्यूज़ आ गए थे एक 3 से 4 दिन में, तो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है ये। और अल्लाह आप लोगों को हमेशा खैर आबाद रखे, खुश रखे, इस तरह से बिल्कुल मेरा साथ देते रहिए अल्लाह ताला, और मैं आगे बढ़ूँ और थोड़ा अपने मतलब मैं फोकस हो जाऊँ अपने काम पर और अच्छे से काम करूं। बच्चों की छुट्टी चल रही है, 5 दिन की गणपति चल रही है, और जो भी नॉन मुस्लिम मेरे भाई बहन देख रहे हैं उनको हैप्पी गणेश चतुर्थी, और ये सबको अपना अपना त्यौहार मुबारक। तो ये बस बच्चे घर पे हैं जो हैरान परेशान कर रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए बिठा दिया है मैंने। बस मैं क्या कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, पर दूसरे तीसरे वीडियो पर इतने व्यूज़ नहीं आए। पर मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मुझे मेरा काम अच्छे से करना है, और क्योंकि दूसरे भी ब्लॉगर्स हैं ना जो इसी तरह आगे बढ़े हैं, जो आज मिलियंस में हैं, बिलियंस में हैं, तो जिन लोगों को मैं बहुत सारे मेरे जो हैं ब्लॉगर जो मेरे इंस्पिरेशन हैं, जिनको मैं देखकर आई हूँ, तो बस मैं ऐसा नहीं, मैं तो मुझे थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा, अब बिल्कुल करती रहूँगी। आप लोग मुझे साथ दें, हमेशा मेरे साथ रहें, और अगर मैं कोई गलती करती तो उसमें कमेंट भी करें, और बिल्कुल कमेंट करें आप, प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं मुझे और क्या करना है अपने व्लॉग में। मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ, तो इसमें बाहर का मैं कुछ नहीं दिखा पाती हूँ, जो मैं कुकिंग होता है वो तो दिखा देती हूँ। और ये बच्चे मैं बताया ना पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको बिठा दिया, और किचन में आई हूँ मैं। अब देखिए किचन में ये देखिए बारिश की वजह से प्लास्टिक लग गया ऊपर, क्योंकि ऊपर से बारिश बहुत आती, पानी बहुत टपक रहा था, तो ये प्लास्टिक तो अब जब तक बारिश नहीं होगी, तीन चार महीने बारिश होती रहेगी उस वक्त लगा रहेगा, ताकि थोड़ा सा आराम रहे किचन में, खाना खड़े होके बना सके। और चले शुक्रिया अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला हमें घर दिया रहने के लिए, हर ऐशो आसाइश की चीज़ दी, और क्या चाहिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थोड़ा बहुत दिक्कतें परेशानी सबके घर में सबके साथ होती है, पर हम लोग सोच के बैठ जाते हैं कि हमारे साथ ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है। बस इम्तिहान का वक्त होता है, जो हमको खुशी खुशी ये इम्तिहान के वक्त को पास करना होता है। चलिए आगे की रेसिपी बताती हूँ आपको, आइए जुड़े रहिए। और ये मैंने चने की दाल ली है, जिसको मैंने 1.5-2 घंटे पहले भिगा कर रखी थी, उसमें मैंने 2-3 लहसुन डाल दिया, हरी मिर्च, अब इसको बारीक से ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी, बस ऐसा पीस लीजिए आप, उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसको निकाल लीजिए प्लेट में, पीसना हो जाए तो। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, नमक डालिए, प्याज डालना है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बस ये इसके पकौड़े का सालन बनाऊँगी मैं, भजिए का सालन, तो इसका भजिए का सालन बहुत टेस्टी होता है। अगर घर में कुछ नहीं होना बनाने के लिए, तो आप इसको भिगा दीजिए एक घंटे में, तो अच्छी भीग जाएगी, उसके बाद में आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, और बाद में मैं जो मसाले बताऊंगी उसके साथ आप बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं भजिए का सालन, और इसकी खुशबू ही अच्छी, मतलब इसकी खुशबू, इसका जायका अलग हो जाता है। आप रोटी या चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, चावल के साथ उसको खाइएगा। मैं प्याज भी डाल रही हूँ, मैंने हरी मिर्ची भी काट के डाली है, और हरी धनिया भी डाला है। आप इसको मिलाकर, मैं सॉल्ट वॉल्ट सब डालकर रख कर इसको फ्राई कर लेती हूँ। अब मुझे ना पेस्ट भी बनाना है प्याज का, तो मैं प्याज काट करके इसको ग्राइंड में पीस लूँगी, इसे प्याज का पेस्ट मसाले के लिए। और अभी मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है भजिया बनाने के लिए, तो फटफट हम लोग भजिया फ्राई कर लेते हैं। अब भजिए के सालन बनाने के लिए ना आप मूंग दाल और मसूर दाल का ज़्यादा बेहतर लगेगा, मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने चने की दाल बनाई, उसका भी अच्छा लगा, पर इससे अच्छा टेस्ट आएगा मूंग और मसूर दाल, दोनों का भिगा के रख दीजिए ना, 1-1.5 घंटे में आपका दाल भीग जाएगी। आप इसी तरह यही बैटर में आप भी फ्राई कर करके और मसाले में बनाइए, बहुत मज़े के लगते हैं वो दोनों, मूँग और मसूर दाल के भजिए। ये मेरे भजिए फ्राई हो रहे हैं, देखिए इस तरह आप गोल्डन होने के बाद, जैसे भी आप पकोड़े तलते हैं उस तरह पकोड़े, जब पूरी तरह से हो जाए तो आप निकाल लें इसको। कैसे कभी कभी होता है ना, कभी हम मार्केट नहीं जा पाते हैं, हमारी फ्रिज खाली हो जाती है, और किसी के यहाँ पे मार्केट बहुत दूर होता है, तो कोई कोई एक हफ्ते वीकली या सब्ज़ी वाले भैया आते हैं, तो कभी कभी इत्तेफाक होता है कि नहीं आए, तो आप ये सब दोपहर का तो हम सुबह से सोच लेते हैं हमको क्या बनाना है। अगर कोई नहीं आता, आप 1 घंटे पहले भिगा दीजिए कम, और ये फ़ौरन बन भी जाता है ना, इसको कोई दिक्कत भी नहीं निकल रहा है हो रहा है, इसका ग्रेवी बना लेंगे, दोपहर का खाना तो अच्छे से हो जाता है, ग्रेवी बना लिया, राइस बना लिया, खा लिया उसके साथ में। एक सब ज़्यादातर लोग जो खाना खाते हैं वो 1 बजे के बाद ही खाना खाते हैं, या 1-1.5 o'clock तक खाते हैं। अगर आपने 10 से 11 बजे भी इसको भिगा कर रखा है, 11 से 12 बजे भिगा कर रखा है, तो ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झटपट बन जाता है सालन, और टेस्टी भी है। कोई आ भी गया ना, तो आप इसको फ़ौरन पूरी के साथ बना करके दे दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा ये। तो ये भजिए मेरे फ्राई हो रहे हैं,
मच्छी को अच्छी तरह ब्राउन करके आप इसको रख लें और निकाल दें। और बाकी आप आगे का मसाले बताती हूँ। ये मेरे पकौड़े भजिए तैयार हैं। अब मैंने एक पतीली ली है, इसमें डालना है आपको तेल। तेल मैंने वही लिया है जो मैंने फ्राई किया था ना, तो उसमें भजिए के जो दाने हैं वो भी आ जाएंगे। तो आप ये मैं सोची का तेल गंदा लिया था, मैंने झारा लिया था, बस से निकला नहीं। मैंने सोचा मसाले में हो जाएगा, कोई बात नहीं खाने में आ जाएगा। तो फिर भी देखिए मैंने थोड़ा बहुत निकाल लिया, मगर ज़्यादा काला निकला नहीं है। जो भजिए जल जाते हैं तो उसका हिस्सा आ गया उसमें। अब इसमें आप डालेंगे जो मेथी दाना, मेथी दाना का तड़का बहुत अच्छा लगता है भजिए के सालन में। और इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। मेथी दाना जब हो जाए तो आप कड़ी पत्ता डालिए। और कड़ी पत्ते के बाद में आप जो मसाला पीस के रखा है, सिर्फ मैंने प्याज पीसा है मसाले में, ज़्यादा कुछ नहीं है घर के मसाले। प्याज डाल दीजिए, प्याज का पेस्ट। और प्याज का पेस्ट भी आपको नहीं डालना, जैसे मैंने भजिए बनाए हैं कुछ 20 से 25 बने होंगे, तो इसमें मैंने प्याज का पेस्ट दो बड़ी प्याज पीसी है मैंने। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे प्याज को। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया इसमें। अब ब्राउन जब हो जाए, अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए ना, टमाटर डाल देंगे। बाकी के जो सूखे मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ये तीनों मसाले भी डालना है इसमें। ये टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ, और लाल मिर्च पाउडर, ये सब टमाटर हो जाए तो सूखे मसाले डाल दीजिए। हल्का सा लास्ट में गरम मसाला डालिए, अगर अभी डालना है तो भी चलेगा, मगर ज़्यादातर टच जो होता है फाइनल टच में ही आप गैस बंद करने से पहले 2 मिनट पहले आप अगर गरम मसाला डालते हैं ना, ज़्यादा अच्छा होता है उसका टेस्ट। तो बस ये इसको अच्छे से भून लीजिए, बाकी आप सूखे मसाले डालेंगे। ये मेरी लाल मिर्च गई, अब धनिया डालूँगी और हल्दी डाल दूँगी। अब प्लीज़ हमारे ब्लॉग को देखिए। मैंने देखा है कि बहुत ऐसे अजीब अजीब से लोग लाइव करने बैठ जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, पंचायत हो रही है, ये सब ड्रामा हम लोग नहीं करते हैं ना। हम लोग सीधे साधे से लोग हैं जो सिर्फ कुकिंग है, अपने घर की छोटी मोटी चीज़ शेयर कर लेते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, थोड़ा ब्लॉग हम लोग को भी देख लिया करें। हम लोग मतलब मैं तो कम ही 5-6 मिनट 7 मिनट का ही वीडियो बनाती हूँ, तो थोड़ा रहम करें हम लोग न्यू क्रिएटर्स पे, हम लोग को मौका दें आगे बढ़ने का। अब मैं सुबह में किसी का व्लॉग देख रही, मुझे नाम नहीं लेना है, पर मैंने देखा इन लोगों की इसमें कुछ नहीं, वहाँ पर 50,000 व्यू 60,000 व्यू कुछ नहीं था। उन लोग की लड़ाइयाँ चल रही थी, लड़ाइयाँ सब लोग इतना देखे, 1-1 लाख व्यूज़ आ रहे हर वीडियो पे। मैं सोची यार हम लोग तो इसे ड्रामा नहीं करते हैं, अपनी फैमिली का अपना इसका लेकर बैठ जाते हैं। तो ये क्या बताऊँ, सिर्फ आप लोग, मैं अपनी फैमिली समझ रही हूँ, मैं भी कुछ सोच के ही आई हूँ। तो आप प्लीज़ साथ दें और हमारे व्यूज़ बढ़ाएं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं और हमारे लाइक भी करें और कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करें और हम लोगों को आगे बढ़ाएं। और ये मेरा सालन भी रेडी हो गया, हरा धनिया डाल दिया है मैंने भून भान कर। देखिए मैं भजिए बता रही हूँ, अच्छे से भजिए भी हो गए हैं। और जब आपका मसाला भून जाए तो उसे पानी छोड़ दें, पानी पकने दें, उसके बाद में ही आप ये भजियों को डालें, ठीक है। मैंने ना फ़ौरन डाल दिया था, तो फ़ौरन ही डालना था, मुझे पानी पकाना था उसके बाद में डालना, तो कोई बात नहीं, भजिए तो अच्छे हुए थे। और ये मैं अपना खाना निकाल रही हूँ, बच्चों को खिलाना भी था, भूख लगी थी उन लोगों को। तो ये मैंने निकाला राइस और रोटी और भजिए का सालन। तो मैं यही बात कर रही थी कि प्लीज़ हम लोगों को भी देखा करें, हम लोग को आगे बढ़ाएं, हौसला अफजाई करें। हम जैसे छोटे मोटे क्रिएटर की बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, एक बार बार देखते हैं कि कितना व्यूज़ आए, कितने कमेंट्स आए। तो थोड़ा साथ दीजिए हमारा, हमारे पास फैमिली ड्रामा नहीं है। हाँ, जब इंशाल्लाह ज़रूर मैं बाहर निकलूँगी या कहीं हम लोग घूमने जाएंगे तो सब वीडियोज़ मतलब आपको व्यूज़ ज़रूर दिखाऊंगी, मगर अभी फ़िलहाल हम लोग घर पे हैं, तो घर में जो चीज़ पॉसिबल होती है वही चीज़ हम लोग दिखा सकते हैं। और बस कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ जो भी शिकायतें होती है मेरी अल्लाह ताला से होती है, क्योंकि मुझे पता है मेरी सारी तकलीफ़ों शिकायतों को दूर करने वाला वही पाक परदिगार आला में, उसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि हम एक दूसरे को शिकायत ज़रूर कर देते हैं, मगर यहाँ पे हमें वो चीज़ क्रिएट नहीं करनी है कि हम अपनी तकलीफ़ें बताएं कि हम फेमस हो जाएं, हम अपनी मजबूरी बताएं तो हम फेमस हो जाएं। नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे अपना अच्छे से काम करना है मेरे यूट्यूब पर। मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं किस मकसद से आई हूँ। अल्लाह बस कहते हैं कि मिडिल क्लास की ये स्ट्रगल होती है कि किसी को कुछ शेयर भी नहीं कर सकते और किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, मतलब हम बीच में ही फंसे होते हैं। और ये मेरा खाना, सैलड बनाया है, रोटी बनाया है, मेरा भजिए का सालन है और ज़बरदस्त है, बस अच्छा बना था ये। इसकी जो मेथी दाना जो कड़ी पत्ते का जो खुशबू होती है ना,
वो बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड ने कुछ सामान भेजा था बच्चों के लिए, तो बस ये कुछ मिल्क की बॉटल्स थी, कुछ मिल्क की बॉटल और यही चूरा उड़ा नमकीन था ये, और शेक वगैरह था, मिल्क शेक था केसर वाला, बिस्किट थे। और ये ना अमूल का ये दूध लाए थे, ये फर्स्ट टाइम आया था मेरे घर पर, और ये बटर मिल्क था, चलिए तो आता ही है। अमूल का दूध था जो बच्चों के लिए लाए थे मेरे हस्बैंड ने, पर वो बहुत अच्छा था, बहुत जैसे दूध बहुत पका देते हैं ना उस सिचुएशन में, तो पका हुआ दूध था, अच्छा था, मगर बच्चे ने इतना पसंद नहीं किया, तो मैंने उसका डिज़र्ट बना दिया था, मीठा सा पका पका के इसका बना दिया था, पकाया अच्छे से पकाया उसको, और फिर उसका जो स्वीट था क्या बताते रबड़ी टाइप बना दिया था। ये मेरे भाई ने नाश्ता भेज दिया था कि तुम खा लेना गरम गरम, पूछा क्या खाओगी, तो मैंने कहा कि मेदू वड़ा है क्या है, तो मैंने कहा कि मसाला डोसा नहीं भेजना, मेदू वड़ा वगैरह ज़रूर भेज देना। तो उसने भाई ने मेरे काम जो नहीं मना किया तो उसी को भेज दिया, उसको बोला था मसाला डोसा कैसे होता है ना, मसाला डोसा खड़े खड़े खाओ या होटल रेस्टोरेंट में बैठ के खाओ तो ज़्यादा मज़े का लगता है, क्रिस्पी होता है, इस तरह रोटी की तरह नरम नरम हो जाता है, बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो ये बस अब उसने मोहब्बत में भेज दिया बहन की, तो वो चले खा लेते हैं भाई, बच्चों के लिए भी अच्छा खासा क्वान्टिटी में वो भेजा था, मेदू वड़ा भी था और सांभर था, चटनी थी। तो बस ये छोटा सा मेरा हंसता खेलता सा व्लॉग, खाना बनाने वाला, रेसिपी वाला। तो बस अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिए, और प्लीज़ हम लोगों को भी आगे बढ़ाइए, हम लोगों का भी व्लॉग देखिए, थोड़ी तरक्की कराइए, हम लोगों की सब्सक्राइबर बढ़ाइए। चलिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, खैर आबाद रखें। बस चलिए अल्लाह हाफिज़।